पठानकोट के डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जे गल करिए जिला पठानकोट के शहरी इलाके की तो लागे छागे इलाके हूँ तक 327 जो मामले है सामने आ चुके हैं। तो सेहत विभाग ने भी जी इस संबंधी पूरी अपनी कमर जी कस ली है और पठानकोट के डेंगू वार्ड के पहला 8 बैड से तो हूँ सेहत विभाग वालों जोड़े ना 20 बैड होर जोड़े एमरजेंसी लगा दिए गए हैं। तुम दस दिए कि इतने इस वेल अपना पठानकोट के डेंगू वार्ड के मौजूद हैं और इतने जो मरीजों को वधिया जो सुविधावान इतने मिल रही ने तो जोड़े डेंगू वार्ड के मरीज इतने दाखिल ने उन्होंने आप गलबात भी की उन्होंने कहा कि सब जो दवाइया सारिया इतने मुहैया कराई जा रही सारी फैसिलिटी सिविल अस्पताल प्रशासन वालों दी जा रही है। सिविल डॉक्टर साक्षी सलगोत्रा उन्होंने आप गलबात की उन्होंने दसिया कि लोगों को अपील है कि लोग जो है प्रशासन का सहयोग कर थोड़े दिनों डेंगू की जी पीक है वो खत्म हो जा रही है। ज़िले में इस वक्त डेंगू के जोड़े साढ़े पॉजिटिव केसेस हैं वो 327 केस हैं इस वेले साढ़े को जिदे विच कले साढ़े सितंबर विच 143 केसेस आए सी। पिछले साल के मुकाबले हुण तक साढ़े केसेस बहुत ज़्यादा कम है। पिछले साल 2021 विच सितंबर के महीने विच ही साढ़े को 434 केस आ गए सी। इस साल कंपैरेटिवली कम है गया। इस साल वधे केसा नूं मुख रखदे हुए आपां तैयारी लई अपनी डेंगी दे जिहड़े बैड्स हैगे सरकारी हस्पताल विच हर जगह अर्बन अते रूरल विच ईवन अपने जिहड़े रूरल दे सीएचसीज है असी उत्थे भी गाइडलाइनस देते हैं बैड्स वधाउण नूं। पहले साढ़े कोल 9 बैड सीगे सिविल हस्पताल विच हुण आपां 28 बैड कर दिते हैगे। एमरजेंसी विच आपां एक वार्ड सस्पेक्टेड डेंगू पेशेंट्स लई कर दिता हैगा जिदे विच आपां मच्छरदानियां लगवा लिया है। ये जिहड़ी मच्छरदानियां हुंदी है एलएलआईएनस हुंदी है लोंग लास्टिंग इनसेक्टीसाइडल नैट्स इहदे विच दवाई हुंदी है जिहदे करके जिहड़ा मच्छर हैगा है वह मतलब मच्छर दे अगेंस्ट दवाई मच्छरदानी विच लगाई गई हुंदी है। तो ये जी सा टीम्स आप वधाती हैं साढ़े को 10 टीम्स बना ली है पेरीफ्री तो क्योंकि साढ़े अर्बन के केस इस टाइम 218 चल रहे हैं तो उन्हों इंपोर्टेंस देंदे हुए उन्हों प्रायोरिटी रखते हुए अर्बन नू आप पेरीफ्री तो भी अपने वर्कर्स की टीम मंगवा ली हैगी है तो स्प्रे वर्कर्स भी मंगवाए है जेड़े कि स्प्रेइंग दी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिथे केस आ रहे हैं जेड़े केस सानू पता लग रहे हैं उत्थे वो स्प्रेइंग कर रहे हैं सर्वेलेंस कर रहे हैं। नाल नाल आपां कॉरपोरेशन नू भी अपने नाल जोड़िया हैगा इहदे विच जिहदे विच कॉरपोरेशन वाले साडा सहयोग दे रहे हैगे है जिथे कलस्टर केसिस आ रहे हैं एक पंज तो वध इकट्ठे केस आ रहे हैं उत्थे वो फॉगिंग करवा रहे हैं इंटेंस फॉगिंग करा रहे हैं तो आपां उहनां नू डीसी साहब के माध्यम तो क्या भी हैगा है कि वह दो बार फॉगिंग कराए इन एरियाज विच ते साड़ी तैयारी चल रही है। तो ये केस जिहड़े वधने 20 अक्टूबर तक वधने हैगे हैं क्योंकि 20 तो बाद जिहड़ा टैंपरेचर ते ह्यूमिडिटी हैगा है वह फॉल कर जूगा जिदे करके जो फेवरेबल कंडीशन है मच्छर दी वो कम हो जूगी तो केसिस कम हो जाएंगे। जिहड़ी एक जिहड़ी मौत पुष्टि करके साढ़े को डीएमसी लुधियाना तो आई हैगी है वो एक ही हजे आई हैगी है वो 25 वर्षीय महिला सीगी तो उन्होंने अपना टेस्ट भी डीएमसी विच कराया सी ते अनफॉर्चुनेटली बड़ी दुख की गल है कि उन्होंने मौत भी डेंगू करके डीएमसी विच ही हुई है तो सानू उत्थों इनफॉर्मेशन पुष्टि हो के आई है कि एक पुष्टि एक मतलब साढ़े को हैगी है डेथ जिहदी पुष्टि हुई है। लोगों को यही मैसेज है कि जिन्हों पिछले साल डेंगू होया है एक बार या कदे भी एक बार डेंगू हो चुके है वो प्लीज़ इस सीज़न विच अपना खास ख्याल रखें सितंबर अक्टूबर विच क्योंकि जेड़े री इनफेक्शन के केसेस होंगे उन्होंने DHF च जान जिन्हों कहते डेंगी हैमरेजिक फीवर जिदे विच सेल बहुत ज़्यादा कट जाते 50,000 तो कट चले जाते हैं वो अपना ज़्यादा ख्याल रखें इस सीज़न विच क्योंकि जे उन्होंने दोबारा डेंगी दे शक या गुंजाइश हो तो उन्होंने हो सकता है कि ये बीमारी उन्होंने बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होए।